लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिल्कुल बच चुका है, अब किसी किस्म की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। अंकल, आप पूनम की चिट्ठी चंदर को क्यों नहीं दे देते? खत कैसे दूं? मुमकिन है उस खत में कुछ उल्टी सीधी बात लिखी हो जिससे इसके दिल पर बुरा असर पड़ जाए। बिटिया जी, इस वक्त इसे संभालना तुम्हारा काम है। ओके अंकल। पूनम बेटे, तुम्हारे सेना अंकल की टेलीग्राम आई है, चंदर जिंदा है। चंदर जिंदा है? हाँ, लेकिन जरा घायल है। डैडी, मुझे चंदर के पास ले चलो। हाँ बेटे, हम सब लोग चलेंगे। वो जिंदा मिल गया, और ठाकुर साहब कह रहे थे कि वो रायगढ़ में ही पूनम की शादी चंदर के साथ कर देंगे। अब तुम खैली फुला पकाते रहो, हांडी तैयार हो जाए तो मुझे भी बुला ले। मेरी भी एक बात सुनते जाइए, अगर पूनम है तो सिर्फ मेरी है, नहीं तो पूनम है ही नहीं। आहा, तो चौधारे से बंधे आएंगे सरकार चले। अंकल, चंदर क्या है? चंदर देखो, मुंह हाथ धो लो, आराम कर लो। बताना, वो सामने गेस्ट रूम है ना, उसमें। अरे ये भाभी, चाय का वक्त हो गया, आइए ना। आओ। चलो। ओह प्लीज रीना, बी ए गुड बॉय, डॉक्टर ने कहा है, प्लीज। अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, कम क्या है, गोलियां खा के बस पेट खराब करो। हाँ, दैट्स अ गुड बॉय। गुड बॉय, रेस्ट करो, गोलियां खाओ, टू मच। पूनम हो? हाँ। अब समझी मेरे खत का जवाब क्यों नहीं दिया उसने, उसे अब मेरी जरूरत नहीं है। तुम तो उसे ठुकरा चुकी हो, उसका दिल तोड़ चुकी हो, फिर क्यों आई हो यहाँ? मैंने समझा वो अब भी मुझसे प्यार करता है। नहीं, मैंने उस मुद्दे में जान डाली है, उसे नई जिंदगी देने की कोशिश की है, प्यार दिया है उसे। प्यार? हाँ, तुम्हारे पास चंद्र के सिवा सब कुछ है और मेरे पास उसके सिवा कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास दौलत है, उससे जाकर अपनी खुशियां कहीं और से क्यों नहीं खरीद लेती? हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद करने आई हो? चली जाओ यहां से, चली जाओ। पूनम, क्या बात है चंदर? नहीं, मुझे लगा जैसे पूनम किसी से बात कर रही हो। डोंट बी सिली चंदर, पूनम की आवाज यहां कहां से आ सकती है? तुम लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। नहीं रीना, मेरे कान इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकते। तुम सच कह रही हो, पूनम आ नहीं थी? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। नहीं रीना, झूठ बोल रही है चंदर। डॉक्टर, मरीज से मौत के बारे में झूठ बोलते हैं रीना, जिंदगी के बारे में नहीं। पूनम यही है चंदर, और वो तुमसे ही मिलने के लिए आई हुई है, लेकिन रीना नहीं चाहती कि तुम उससे मिलो। हाँ, मैं नहीं चाहती कि तुम उससे मिलकर अपने दिल के जख्म हरे करो। मैं नहीं चाहती कि तुम उन्हीं पैरों में जागिरो जो तुम्हें ठुकरा चुकी हैं। और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम अपनी नजरों से खुद गिर जाओ। लेकिन
मैं तो सिर्फ उसे एक नजर पर देखूंगा। वो अभी अभी स्टेबल की तरफ गई है। चंदर नहीं रीना, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। हवा का दामन पकड़ने से क्या फायदा। तुम रो रही हो? सच, दिल टूटा है तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वक्त सबसे बड़ा डॉक्टर भी है और मरहम भी। उसके पास हर जख्म का इलाज होता है, और मैं वादा करता हूँ पूनम कि कुछ ही दिनों में चंदर को बिल्कुल भुला दूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। भूल जाओ उस गिसियारे को। देखो ना, तुमने तो कितनी कोशिश की कि उसे इस गंदगी से निकाल लो, लेकिन वो एक इस गंदगी में वापस चला आया। और हाँ, अब तो उसने एक नया जीवन साथी भी ढूंढ लिया है। चलो मेरे साथ। बड़ी बेशर्म विनोद, नफरत तक की जबान नहीं समझते। ना मैंने तुम्हारे बारे में कभी सोचा है और ना कभी सोचूंगी। पूनम, चंदर मुझे बुला रहा है। तुम चाहे मुझे ना मिलो, चंदर भी तुमको नहीं मिलेगा। एक बार मेरी गोली से बच चुका है, लेकिन इस बार नहीं बचेगा। अस्तबल में पैदा हुआ है, अस्तबल में ही मर जाएगा। तुमने अगर मेरा कहा ना माना, मैं चंदर को जान से मारा दूंगा। प्लीज, आज मार कर देख लो। चंदर, हम लोग इधर हैं। हाँ चंदर, हम दोनों यहाँ हैं। पूनम, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ चंदर, मैंने हाँ, इसको तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन मेरे लिए इसने प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा ठीक करा लिया। तुम्हारे लिए? असल में हम लोग एक नई जिंदगी शुरू करने से पहले तुम्हारा आशीर्वाद लेना चाहते थे। चंदर, याद है तुमने गिड़गिड़ा कर मुझसे कहा था कि मुझे पूनम से ही शादी करनी होगी। मैंने तुम्हारा कहा मान लिया। आज हम लोग शादी कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं। जो कहानी अधूरी थी अब पूरी हो जाएगी। चंदर, तुम्हें मेरा खत नहीं मिला? हाँ, उस खत में हम दोनों ने अपनी शादी के बारे में सब कुछ लिख दिया था। चंदर, मैं चंदर, अब तुम भी रीना से शादी कर ही लो। कब तक इस जिंदगी में अकेले रहोगे? डार्लिंग, अब तो तुम्हारी जिद पूरी हो गई ना। कह रही थी कि शादी की बात सबसे पहले तुम्हें मालूम होनी चाहिए। ओके, हो सके तो शादी में जरूर आना। बाय बाय। चलो डार्लिंग, चले। डार्लिंग, गाड़ी उस तरफ नहीं, गाड़ी उधर है। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी? तुम क्या समझते हो कि तुम मेरे साथ नहीं जाओगी? बिल्कुल नहीं। एक बार तुम्हें छोड़ने की गलती कर चुका हूँ, अब जिंदगी भर नहीं करूंगा। चलो मेरे साथ। छोड़ दो मुझे। अंदर तो मैं चंद्र की जान बचाने के लिए चुप थी, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। लेकिन मुझे है। मैं अपने होने वाली धर्म पत्नी की जान खतरे में कैसे डाल सकता हूँ? चलो मेरे साथ। चलो, चलो मुझे। तुम क्या समझते थे धोखा देकर निकल जाओगे? तुम्हारी चालाकी में अंदर ही समझ गया था विनोद। पूनम की जान बचाने के लिए खामोश रहा। मौत के सामने मत आओ चंदर। अगर जिंदगी चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। जिंदगी चाहता हूं इसीलिए नहीं हटूंगा। आज फैसला होकर रहेगा विनोद। जो लड़ाई कभी कॉलेज में शुरू हुई थी आज यहां खत्म होगी। हाँ, वो आज यही खत्म होगी, लेकिन तुम्हारी मौत के साथ। Thank you.
होगा।